लाइक भाई से मैंने एक मुख्तसर से सवाल किया और वो मैं दोहरा देता हूँ कि मैंने कहा कि भाई कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया में हमने एक कल इवेंट किया था जिसमें उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री जो है वो अपना एफ्लुएंट सारा जो है वो कलरी झील में मिला रही है। तो लाइक भाई ने हमें बताया कि नहीं ऐसा नहीं है बल्कि कैसा है। बल्कि ऐसा है कि वहाँ पर हमने एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है अपना और साइट ने लगाया है और इसका PC1 में जो है ना काफ़ी अरसे से ये लिखा हुआ था मगर हो नहीं रहा था। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज से 4 साल पहले इसके ऊपर काफ़ी शोर डाला तो हमारी मीटिंग्स हुई मुख्तलिफ लोगों से। उस वक्त के अकरम मंसूर साहब जो हमारे ये थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने इसमें काफ़ी असर लिया। ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने हमारा PC1 रिलीज़ करा के पैसे दिए और फिर इस पैसे से वहाँ पे इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लग गया तो और आज वो काम कर रहा है और सारा पानी उस ट्रीटमेंट प्लांट से होकर क्लीन होकर उस पर जा रहा है। तो हमारा कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले कोटरी में एक TB का जो है ना हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, जिसमें TB के काफ़ी मरीज़ होते हैं और उन मरीज़ों का जितना भी वहाँ का गंद है, हॉस्पिटल का गंद है, वो सारा आके, क्योंकि ड्रेनेज नहीं है वहाँ पर, तो वो सारी ड्रेनेज इसी KB1 से होकर जाती है, KB फीडर जो कहलाता है, यहाँ से होकर जाती है जो कलरी झील में ही जाती है या फिल्टर प्लांट पे जाती है आगे जाके और कराची को वो पानी सप्लाई होता है, उसका साफ़ होने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सच्ची बात ये है कि अगर उनकी फजले में, उनकी पेशाब में, उनके बखाने में अगर TB के जरासीम मौजूद हैं तो वो सारे के सारे मेरे और आपके पेट में इवेंचुअली आते हैं। कैंसरियस जरासीम भी हो सकते हैं किसी भी, तो वो भी आगे आगे तकलीफ दे हो सकते हैं। तो उसको साफ करने के ऊपर कोई तवज्जो दी जाए तो ये चीज़ आपकी ज़रूरतमंद है, ज़रूरत है इसकी। लेकिन ये है कि कोटरी का जो पानी है वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से होकर जदाकला। थैंक यू।